उज्जैन जिले के बड़नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खंडवा निवासी एक किसान की निजी आधिपत्य की भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल गांव के ही एक अन्य व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अपना आधिपत्य जताते हुए खेत में खड़ी गेहूं की फसल कटवा ली। इसकी शिकायत लिखने की बजाय पुलिस ने उल्टे किसान और उसके पिता पर धारा 151 और उसकी मां के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 34 में प्रकरण दर्ज कर लिया है। बड़नगर पुलिस की इस एक तरफा कार्यवाही और कारगुजारी को लेकर पीड़ित किसान विश्वजीत सिंह पिता महेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी मां के साथ आकर बुधवार को पत्रकार वार्ता में अपने साथ हुए अन्याय की जानकारी दी। साथ ही बड़नगर पुलिस पर आरोपियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए विश्वजीत ने बताया, मेरे पिता महेंद्र सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत निवासी खंडवा बीबी द्वारा गाँव के ही शैलेंद्र सिंह पिता गुलाब सिंह के काका ओम प्रकाश के आधिपत्य की 15 बीघा जमीन विगत कुछ माह पूर्व खरीद कर विधिवत रजिस्ट्री कर जमीन का नामांतरण अपने नाम से करवा लिया था, लेकिन उक्त जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बड़नगर सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। भूमि पर हमारा ही कब्जा है तथा हमारे द्वारा ही फसल बोई गई है, किंतु शैलेंद्र सिंह की माँ शीतल कुंवर का कहना है कि तुमने धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम करवा ली, जबकि उक्त जमीन पर हमारा हिस्सा भी है। इसको लेकर हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। यदि रुपए नहीं दिए गए तो फसल नहीं बोने देंगे और नुकसान करेंगे, जिसकी शिकायत बड़नगर पुलिस को की गई थी। इस बार भी मेरे आधिपत्य की जमीन पर गेहूं व चने की फसल बोई गई है। अभी जमीन पर पूर्ण आधिपत्य मुझ प्रार्थी को होने के बावजूद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और उसके आधिपत्य की भूमि पर खड़ी फसल कटवाने के मामले में पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर थाना प्रभारी द्वारा कटवाई गई फसल को दिलवाने की मांग की गई है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आपके साथ में फसल कटवाने के लिए गए थे, वहाँ पर पुलिस आई और मेरे पति को की सीट के ले गई, गाड़ी में डाल दिया, फिर मैं अकेली रह गई। फिर मेरे मोदी के सामने फसल कटवाई, मेरे लेडीज पुलिस नहीं थी साथ में, ये सब 14-16 लोगों के बीच में मैं अकेली थी। आपके साथ बदतमीजी करी आपके साथ? सुदम चौधरी ने करी मेरे साथ। क्या करा? बेल्ट उठाया मेरे। अच्छा, और क्या हुआ? बस फिर मेरे को गाड़ी में बिठा दिया। क्या नाम है आपका? ठीक। क्या मामला है आपका और किस बात को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज? सब TI साहब की दादागिरी, बड़नगर TI साहब दिनेश जी प्रजापति जबरन कब्जा दिलवा रहे हैं। जिस जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा है उस जमीन पर कब्जा दिलवाया जा रहा है। कौन से गांव की घटना है? क्या पूरा ये ग्राम खंडवा बीबी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन वहाँ की घटना। क्या मामला था इसमें? मामला ये है साहब, एक पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसमें छोटे भाई ने ज़मीन बेच दी हमको, हम लोगों को ज़मीन बेच दी। उसके रजिस्ट्री नामांतरण वगैरह जो होने थे वो सारी चीज़ें हो गई। उसने हमें कब्जा भी दे दिया, हमने कब्जा ले भी लिया, आज काबिज भी हैं, लेकिन वो जबरन पुलिस में जोड़ तोड़ करके और हमको उस कब्जे से हटाना चाहता है, उसमें काबिज होना चाहता है। तो राशि की मांग भी करी जाएगी? राशि की मांग तो मेरे से तो नहीं करी साहब, मेरे से मांगा भी नहीं उन्होंने। बाकी सामने वालों से लिया हो, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो सामने वालों से लिया ही होगा। अच्छा, आप पे किस आपके पिताजी पे किस प्रकार पुलिस वालों ने वो करी है? 10-11 बजे के आसपास ये वहाँ आते हैं खेत पे, जहाँ मेरे पिताजी और माताजी रहते हैं खेत पे, वहाँ से पिताजी को घसीटते हुए गाड़ी में बिठा के और थाने ले जाते हैं और 151 का मुकदमा दायर करते हैं शांति भंग करने का। पति पत्नी कौन सा शांति भंग करेंगे साहब? तो आपके माताजी को किस प्रकार पुलिस ने क्या किया? सब 14 पुलिस वाले, एक महिला कांस्टेबल भी, महिला कांस्टेबल लेके भी नहीं गए। अगर कोई प्रशासनिक अगर आदेश होता है तो उसमें महिला जरूर होती है, अगर जमीन विवाद में जाते हैं तो महिलाएं जरूर जाती है, महिला कांस्टेबल जरूर जाती है। वहाँ महिला कांस्टेबल एक भी नहीं, और 14 पुलिस वाले घेर के खड़े हैं एक लेडीज़ को, वो प्रताड़ित कर रहे हैं कि रिपोर्ट मत डालना, रिपोर्ट डालने गई तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या नाम है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।